नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, कल है हनुमान जयंती और कहा जाता है कि जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसके हर संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए लेते हैं हम भी हनुमान जी की कृपा हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, इस बार हनुमान जयंती के दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो किस समय होगी हनुमान जी की पूजा और क्या होगा उसके लिए श्रेष्ठ समय, साथ ही क्या है उसके लिए उपाय, बताएंगे हमारे साथ मौजूद जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, कल 4 अप्रैल यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और वार है शनिवार, तो कल शनिवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी और साथ ही साथ कल जो है वो गस्त्रोदय चंद्र ग्रहण भी होगा। तो हनुमान जयंती और चंद्र ग्रहण का जो ये योग बन रहा है बड़ा ही दुर्लभ है। 20 वर्षों के बाद में ऐसा योग बन रहा है और आगे 17 साल बाद ऐसा योग बनेगा। तो इस बार हनुमान जयंती पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा, तो कल दिन के अंदर यानी सूर्योदय के पश्चात से ही हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं हो सकेगी और सायंकाल ग्रहण समाप्ति के बाद ही हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण कहलाता है और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस तरीके से आ जाती है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग ढक जाता है और पृथ्वी सूर्य की किरणों के चांद तक पहुंचने में अवरोध लगा देती है, तो पृथ्वी के उस हिस्से में चंद्र ग्रहण नजर आता है। जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 4 अप्रैल शनिवार को दोपहर बाद से सायंकाल में होने वाले खगास चंद्र ग्रहण समस्त भारत में गस्तोदय अर्थात ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा उदय होने के रूप में दिखाई देगा। देश के जो हमारे सुदूरवर्ती पूर्वी भाग है उसमें यह ग्रहण खगास स्थिति में और बाकी जो समस्त शेष भारत है उसमें चंद्र ग्रहण जो है खंड ग्रास स्थिति में ही दिखाई देगा। चलिए, तो जानते हैं कि कल कितने बजे से ग्रहण है और कब तक रहेगा साथ, चलिए इसका श्रेष्ठ मुहूर्त भी जान लेते हैं पंडित जी से। आइए सबसे पहले जो है ग्रहण के आरंभ हो समाप्ति काल के समय के बारे में जान लेते हैं। तो कल जो चंद्र ग्रहण है और हनुमान जयंती भी जो है वो हस्त नक्षत्र और कन्या राशि के अंदर आ रही है, चंद्र ग्रहण भी उसी में ही है और हनुमान जयंती भी उसी। तो ग्रहण का जो प्रारंभ का जो समय है वो दोपहर 3:45 से है और खगास जो चंद्र ग्रहण है वो प्रारंभ होगा शाम को 5:24 पर। ग्रहण का जो मध्यकाल है वो है सायंकाल 5:30 पर और खगास चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा साय 5:36 पर। और ग्रहण समाप्ति जो काल है वो शाम को 7:15 पर होगा। चूंकि चंद्र ग्रहण है तो सूतक भी आरंभ हो जाएगा, तो ग्रहण का जो सूतक है वो प्रातः काल कल सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कल सूर्योदय के साथ में ही सूतक आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का जो सूतक होता है वो 3 प्रहर यानी 9 घंटे पूर्व माना गया, किंतु यदि ग्रहण ग्रस्तोदय हो तो शास्त्रों में सूर्योदय से ही सूतक को मान्य किया गया है और चंद्र ग्रहण का जो परोकाल होगा चंद्रमा उदय होने के पश्चात में मान्य किया गया है। और सूतक और ग्रहण काल दोनों में ही भगवान की पूजा व मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो कल सूर्योदय के पश्चात आपको पूजा नहीं करनी है, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है और ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए भगवान के नाम का पूरे दिन स्मरण करना है। ग्रहण समाप्ति के पश्चात आपको स्नान वगैरह करना है और चंद्रमा से संबंधित सफेद वस्तु और अन्न का दान करना है। और ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में ये ध्यान रखिए, स्नान दान जप पाठ मंत्र सिद्धि तीर्थ स्नान ध्यान हवनादि जो शुभ कार्य हैं उनको करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार ग्रहण मोक्ष उपरांत पूजा पाठ हवन तर्पण स्नान इत्यादि जो छाया दान है स्वर्ण दान है तुला दान है गौ दान है मंत्र अनुष्ठान इत्यादि जो हैं उनके बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। ग्रहण मोक्ष होने पर 16 प्रकार के दान
जैसे कि अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, फल का दान, जो भी संभव हो करना चाहिए। सूतक का जो काल होता है, समय होता है, ग्रहण का जो काल होता है, समय होता है, उसमें मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, अनावश्यक खाना पीना नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तेल नहीं लगाना है, श्रृंगार इत्यादि करना बहुत वर्जित माना गया है। झूठ, कपटादि, व्यर्थ का लाभ इत्यादि से ग्रहण के काल में बचना चाहिए। वृद्ध जो हमारे जो हैं परिवारजन, जो रोगी हैं या बालक हैं या गर्भवती स्त्रियों को यथा अनुकूल भोजन या दवाई इत्यादि लेने में कोई दोष नहीं लगता है। जो गर्भवती स्त्री हैं, बहनें हमारी, महिलाएं हैं, उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आइए ग्रहण का मैं खुद फल भी बता देता हूँ कि वार फल क्या है। तो जो हमारे किसान साथी हैं उनके लिए ग्रहण हितकारी रहेगा। सोना, पीतल इत्यादि जो धातुएं हैं उनसे बनी चीजें महंगी हो सकती है। सुपारी तथा लाल वस्तुओं के संग्रह करने पर लाभ होगा। आइए जान लेते हैं ग्रहण का नक्षत्र फल। जल से उत्पन्न होने वाले जो पुष्प है, सुगंधित द्रव्य है, शंख है, लवण है, जलयान चालकों और व्यापारियों को कष्ट का अनुभव हो सकता है। मणि और मोती जो है वो महंगे होंगे। मूंग और उड़द के संग्रह से लाभ होगा। विश्व के तथा भारत के पूर्वी व उत्तरी क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। आतंकवादी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आग्नेय शास्त्रों का जो है, शस्त्रों का, उसका भय बना रहेगा। अग्निकांड का भय बना रहेगा। महामारी इत्यादि जो है वो पीड़ादायक साबित हो सकते हैं और जो किसान वर्ग है उसको भी कष्ट पहुंच सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। जी बिल्कुल, आइए कि विभिन्न राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी अपन जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेष राशि वाले जो दर्शक हैं उनके लिए। निश्चित तौर पे व्यापार बढ़ेगा, कार्य और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। भाग्य का जो पक्ष है वो आपका मजबूत साबित होगा और बहुत से लोगों के विवाह के योग भी बन रहे हैं, तो खुशखबर भी है आपके लिए। आय में बढ़ोतरी के आसार हैं। नौकरी पेशा वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने कार्य में जो है थोड़ा सा उच्चाटन रहेगा, मन नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए कार्यों में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा इत्यादि का लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में ये जो ग्रहण का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है और संतान भाव के लिए भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस ग्रहण के प्रभाव के कारण कुछ दिक्कतें आएंगी आपको। घरेलू मामलों में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्य योजनाओं में निश्चित तौर पर प्रगति होगी। पद प्रतिष्ठा में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और अपने जो निकटतम जो आपके लोग हैं आसपास के, उनके द्वारा आप परेशान भी किए जा सकते हैं। अगली जो राशि वह है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए पैसा आएगा, कुछ नए कार्यों में रुकावट पैदा आपकी हो सकती है। आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा और बहुत से नए लोगों से जनसंपर्क भी आपका स्थापित होगा। परिवार में शुभ कार्यों के योग बनेंगे। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। निश्चित तौर पे जो ग्रहण है वो आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। समय की उपयोगिता का महत्व आपके समझ में आएगा। सकारात्मक पॉजिटिव विचारों से आत्मबल जो है वो मजबूत होगा। घर और परिवार में खुशहाली का माहौल उत्पन्न होगा। धन का जो इस्तेमाल है वो शुभ कार्यों में होगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निवेश से बचना है, धन के निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखिएगा, पैसा जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से खर्च भी होगा। घरेलू मामलों में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। खट्टी वस्तुओं का सेवन ना करें वरना एसिडिटी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पंडित जी। संगीता जी हैं ये उदयपुर से और अपने बेटे करण के लिए पूछना चाहती हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है करण की वो है 23/1/1998 और जन्म का समय है इनका सुबह का 11:35 का, जयपुर का। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, इसका 10/35 का जन्म है सुबह का, 23 January 1998। हाँ 98 और जयपुर का है और 10/35 का है जी। पूछिए। इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है और इसका क्या होगा कुछ? अभी तो 11th में है कि ये पढ़ाई करे कि क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। वैसे देखिए, एक तो इसकी वृश्चिक राशि है जन्म से,
बच्चे की वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि पे शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी। नीच का चंद्रमा एजुकेशन हाउस का, पढ़ाई के घर का जो स्वामी है चंद्रमा, वो नीच का होके भाग्य स्थान में बैठ गया। तो ये बात तो तय है कि एजुकेशन थोड़ी सी कम है, उतनी नहीं, इसको प्रयास थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब 200% मेहनत करेगी तब जाके 100% प्राप्त हो सकते हैं, तो प्रयास की अति आवश्यकता है। चूंकि वृश्चिक राशि पे शनि की साढ़े साती स्टार्ट हो चुकी, तो लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए, इसको बच्चे को करवा दीजिए, और सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए, और एक तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा जिसको कोरल बोलते हैं, और ट्रायंगल मूंगा चांदी में मंगलवार के दिन इस बच्चे के गले हाथ में डलवा दीजिए, अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं चांदी में। निश्चित तौर पर उससे चंद्रमा के जो दुष्प्रभाव हैं उससे मुक्ति मिलेगी, और एजुकेशन सेक्टर में इसको थोड़ा सा बूम मिलेगा, इसको रास्ता दिखेगा। मंगल शनि दोनों हैं, मांगलिक है बच्ची, ऐसे बच्चों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा पुश करेंगे, इसको रास्ता दिखाएंगे सही, तो निश्चित तौर पर एजुकेशन अच्छी रहेगी, कैरियर अच्छा रहेगा, आप परेशान नहीं होंगे। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनमोहन जी हैं रतनगढ़ से जी, और अपने बेटे अथर्व के लिए पूछना चाहते हैं। अथर्व की डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2012 और जन्म का समय है पंडित जी इनका दोपहर का 2 बजे का। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। मनमोहन जी, आपका सवाल पूछिए आप। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता था कि आपने सर्वप्रथम यदि इसके चलने में दिक्कत और परेशानी हो रही थी, डॉक्टरों ने हमें डरा दिया था, तो आपने उपाय बताया था कि इसके वजन के बराबर गुड़ दान करना है गौशाला में, तो हमने वो कर दिया, आपके आशीर्वाद से ये चलने तो लग गया गुरु जी। बहुत अच्छी और बात। अब ये थोड़ा बोल नहीं पा रहा है, 3 साल का हो गया, तो आगे इससे क्या कोई दिक्कत परेशानी है, और आगे मेरे लिए ये कैसा रहेगा, किसी ने डरा रखा है कि इसके 10वें घर के अंदर ग्रहण योग है वो पिता के लिए खराब है, तो उचित मार्गदर्शन करें गुरु जी, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ऐसा नहीं है, कई बार आपकी श्रद्धा विश्वास से भी, गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं, बशर्ते अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। रही बात जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली की, इसका जो लग्नेश है फिजिकल हाउस का, शरीर दिमाग का जो स्वामी है शनि, वो उच्च का होके बैठा है, तो कोई शारीरिक विकार इस बच्चे की जन्म कुंडली में दिखता नहीं है। जहाँ तक दशम भाव की बात है, तो सूर्य और राहु वहाँ पे साथ बैठा है, तो ग्रहण योग बन गया, लेकिन उसके साथ साथ में बुध भी बैठा है, तो सूर्य बुध बुद्धादित्य योग और सूर्य राहु ग्रहण योग, तो सूर्य राहु जब ग्रहण योग बनता है तो पितृदोष बना देता है। ये पिता के लिए भारी नहीं होता है, बल्कि ये कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में सूर्य राहु साथ हो जाए तो उनकी कुंडली में पितृदोष, पितृदोष का अर्थ है कि आपकी 3 पीढ़ियों में, यानी आपके 3 पीढ़ियाँ पिता दादा परदादा, उसमें अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में किसी की मृत्यु हुई हो, कोई जल के मरा हो, कोई फांसी खा के मरा हो, कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, तो पितृदोष इस बच्चे के ऊपर आ चुका है। तो जब भी आपको समय मिले तो आपको एक बार पितृदोष की पूजा करवानी, और वैसे भी श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य कराते रहें, और जहाँ पानी का मटका आप रसोई में भर के रखते हैं वहाँ पर आपको पानी एक मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों के नाम लगाना और अमावस्या को भोग देना है, बस ये आप उपाय करते रहिए, और जब भी समय मिले पितृदोष की नारायण बलि कर्म के साथ में पूजा करवा लीजिए। ओवरऑल आने वाला जो समय है इस बच्चे का बहुत अच्छा, एक पन्ना रत्न आता है वो इसके गले के अंदर अभी डाल के रखना है, सोने के अंदर छोटा पेंडेंट बना लीजिए 3.25 रत्ती का, क्योंकि इसका जो आयु स्थान का जो स्वामी है बुध, वो अस्त, और जो आपको वजन के बराबर गुड़ का बताया, साल में एक बार नियम मान लीजिए कि इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करना है, एक सरल उपाय, और जव और ज्वार, जव जो पूजा में काम में लेते हैं, ज्वार जो पक्षियों खिलाते हैं, दोनों को मिक्स करके एक कटोरी में भर के इस बच्चे के सिरहाने के पास में रख दीजिए, और सुबह उसको पक्षियों को खिलाइए 40 दिन, आप ऐसा करिए 40 दिन के अंदर बोलने भी लगेगा, तो ये उपाय आपको रेगुलर करना है, इसके सिवा भी और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे आगे की राशियों के बारे में, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं वापस गुड लक टिप्स में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो आप निश्चित तौर पे जो ग्रहण योग है वो आपके जीवन में उमंगे लेके आ रहा है। नई ऊंचाइयों का आप छू सकते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नतियां प्राप्त होंगी, साथ ही कुछ अच्छे समाचार सुनने को आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको जरूर ख्याल रखना है, बुखार सिर दर्द इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ये ग्रहण आपके मन को दुखी कर सकता है और कोई प्रतीक्षित कार्य है वो पूर्ण न होने से भी मन आपका जो व्यथित हो सकता है, दुखी हो सकता है। नकारात्मक विचारों से खुद को बचाइएगा। मामा पक्ष की तरफ से कुछ सुखद समाचार आपको ग्रहण योग दे सकता है। आगे बात करते हैं धनु राशि वाले दर्शकों की। तो धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विवाद की आशंका, मानसिक शांति के लिए जो है वो आपको विवाद की जो आशंका है वो मानसिक शांति को भंग कर सकती है। ध्यान रखिएगा, किसी से तर्क नहीं करना है वरना विवाद होने की आशंका है। व्यवसाय में आज किसी को ऋण भी नहीं देना है, आपको ग्रहण वाले दिन ऋण नहीं देना है। प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। अगली जो राशि वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके जो प्रयास हैं वो सार्थक होंगे। रोजी और रोजगार की दिशा में किए गए सारे प्रयास हैं, निश्चित तौर पर उनमें सफलता प्राप्त होगी। नए संबंधों पर अत्यधिक विश्वास न करें। आमदनी के स्रोत में वृद्धि होगी, जीवन साथी से मधुर संबंध स्थापित होंगे। स्वास्थ्य में जरूर कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नुकसान की आशंका आपके अंदर बनी रहेगी। निश्चित तौर पर ग्रहण आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आ रहा है। कुछ विरोधी तत्व आपको पीछे से यानी छुप कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सांसारिक सुखों की ओर मन जो है वह आकर्षित होगा और रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। ऑफिस में कार्य क्षेत्र में थोड़ा व्यस्त रहने के कारण शारीरिक थकान महसूस करेंगे। ससुराल पक्ष में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। किसी गरीब व्यक्ति की मदद करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के इस प्रकार आपका जो ग्रहण योग है उसका जो राशिफल जो प्रभाव है वो इस प्रकार रहेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ। पुष्पा जी हैं ये उदयपुर से, और अपनी बेटी दिव्या के लिए पूछना चाहती हैं। दिव्या की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9/7/1992 और जन्म का समय है रात का 1:33 का। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, अब क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। हेलो जी बेटा। हेलो सर, बोलिए बेटा। हाँ, मैं सात। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 7/11/92 है। 7/11/92 है जी। समय और, जी समय रात का 1:33 है। तो 7 की रात हो गई है या 6? 7 की नहीं, 6 की रात होगी। ठीक है, ठीक है जी। और मैं पूछना चाह रही थी इसके समय से 1:33 जी। अब पूछिए, क्या पूछना है। मैं पूछ रही थी कि सर, कि मेरी बेटी का सरकारी नौकरी में योग बन रहा है या फिर शादी कब तक होगी दोनों? देखो बेटा, दो चीजें हैं। 7/1992 सुबह 1:33 पर अर्ली मॉर्निंग उत्तराभात पर नक्षत्र का इस बच्ची का जन्म है। समस्या है वो ये समस्या है कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान का, लक हाउस का जो स्वामी है वो है मंगल। वो इसकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। तो कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो कोई भी यदि आप कंपटीशन देते हैं या जीवन का कोई भी सेक्टर हो, यू नीड बेटर लक ऑलवेज। भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस बच्ची के भाग्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो नियमित रूप से इस बच्ची को, चूंकि मंगल नीच का है, हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, सरसों के तेल का दीपक लगा के अवश्य करना चाहिए। दूसरा, इसके जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो भी नीच का होके बैठा है। यश वैभव मान कीर्ति प्रदान करने वाला सूर्य वो भी नीच का हो गया तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो उसकी शांति के लिए एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहना सकते हैं या तांबे का एक छल्ला जैसे लोहे का छल्ला होता है वो रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में रविवार के दिन पहना दीजिए। रात को सोते समय इसके सिराने के पास में तांबे के लोटे में जल भर के रखें, उसका सेवन करें
और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें। सरकारी नौकरी में थोड़ा सा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर ये बच्ची प्रयास करे तो निश्चित तौर पे इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है। साल भर का अभी समय बाकी है, और जहाँ तक विवाह की बात है, अभी थोड़ा रुक के सन 2017 में इसका विवाह होता है। लगभग 2 साल के पश्चात में इसके विवाह के योग बनते हैं। ओवरऑल बाकी सब चीज़ें ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब आखिर में जान लेते हैं वो छोटे छोटे से उपाय जो करेंगे आपको माला माल। देखिए, कल हनुमान जयंती का जो महोत्सव है वो भी मनाया जाएगा, और जो हनुमान जयंती के दिन पूजा का जो समय है, जो श्रेष्ठ समय है, वो सायंकाल में रहेगा, क्योंकि सूर्योदय से तो सूतक लग जाएगा और शाम को 7:15 बजे ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तत्पश्चात में शाम को यानी 7:15 बजे के पश्चात में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर के अंदर आप बैठ जाइए, संकल्प करिए भगवान हनुमान जी की पूजा का, षोडश उपचार उनकी पूजा करें, और चमेली के सुगंधित तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करें, साथ में लाल पुष्प कनेर के पुष्प से भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा करें, धूप अगरबत्ती शुद्ध घी का दीपक जलाएं, लाल वस्त्र और ध्वजा हनुमान जी महाराज को चढ़ानी चाहिए, नैवेद्य में गाय के घी से बना चूरमा बेसन के लड्डू इत्यादि अर्पण करने, और रात्रि के समय चमेली का एक तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जो है वो आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। भगवान श्री हनुमान जयंती का पौराणिक महत्व भी बहुत है, और जिसके अनुसार शिव जी के अवतार के रूप में भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म जो है अंजना माई के गर्भ से हुआ था। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से जीवन में शुभता बनी रहती है। भगवान शिव के 8 जो रुद्रावतार हैं उनमें से एक भगवान हनुमान जी महाराज का भी रुद्रावतार, और शास्त्रों में ऐसा मत है कि जहाँ भी राम कथा होती हो, जहाँ राम भजन होता हो, वह हनुमान जी महाराज अवश्य विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए राम भक्ति बहुत जरूरी, और जो राम के भक्त हैं हनुमान सदा उनकी रक्षा करते हैं। भगवान राम त्रेता युग में धर्म की स्थापना करके पृथ्वी से अपने लोग बैकुंठ में चले गए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया, और इस वरदान के कारण हनुमान जी आज भी जीवित हैं, अजर अमर माने गए और भगवान के भक्तों और धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सरल से उपाय जो आपको कर सकते हैं मालामाल। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान मंदिर जो भी पास में हो वहाँ पे जाएं, अपने साथ में एक नींबू ले जाइए और 4 लौंग लेकर जाइए। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा दीजिए चारों दिशाओं में। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। जाप के बाद हनुमान जी महाराज से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें, और इस नींबू को अपने पास में ही रख लीजिए। निश्चित तौर पे इस नींबू के प्रभाव से आपके कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। अगला उपाय वो भी जान लेते हैं। हनुमान जयंती के दिन अपने साथ एक नारियल लेकर हनुमान मंदिर के अंदर जाइए। हनुमान जी मंदिर में जाके उनकी प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमा लीजिए, और हनुमान चालीसा का जाप भी साथ साथ में करते रहें। सिर पर नारियल वारने के बाद में हनुमान जी महाराज के सामने उस नारियल को फोड़ दीजिए। इस उपाय से आपकी सभी जो बाधाएं हैं, जो रोक हैं, जो रुकावट हैं, वो सब दूर होंगी। और यदि आप मालामाल होना चाहते हैं, दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो हनुमान जयंती से ये उपाय जो बता रहा हूँ उसको प्रारंभ करिए। प्रतिदिन रात के समय इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय के अनुसार आपको हर रात हनुमान जी महाराज के सामने एक विशेष दीपक जलाना है। रात में किसी हनुमान जी मंदिर में जाएं, वहाँ प्रतिमा के समक्ष चौमुखा जो दीपक होता है जिसमें 4 बत्तियाँ जलती हैं, चौमुखा दीपक चारों ओर से जलाना है। उसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी परेशानियां जो हैं वो भी आसानी से दूर हो जाएंगी। वहीं हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लाइए और उसे स्वच्छ पानी से गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद उस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और उसके बाद उस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लीजिए। साल भर जो है वो आपका जो पर्स है वो पैसों से भरा रहेगा, और अगली हनुमान जयंती पर इसको किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए और इस प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित करके अपने पर्स में रख लीजिए। निश्चित तौर पे धन से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। हनुमान जयंती के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाइए, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें।
उसके बाद हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाइए। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए प्रार्थना करिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ जाना होगा आज, और हाँ कल हनुमान जयंती है और बड़ी ही श्रद्धा से मनाए इसे, यकीनन आपकी सारी परेशानियां भगवान हर लेंगे। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की इतनी सारी समस्याओं की समाधान करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका समाधान, तो सोमवार से शुक्रवार आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।